हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट कंपैरिजन करने वाले हैं आईफोन XR का आईफोन 13 के साथ iOS 17.1.1 के नए स्टेबल अपडेट में। इन दोनों फ़ोन्स में ये जो अपडेट है कैसा काम कर रहा है, परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, बैटरी लाइफ आपको कैसी देखने को मिलने वाली है और बैकअप जो है इन दोनों अपडेट्स में आईफोन XR पे और आईफोन 13 में कैसा देखने को मिल रहा है, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस अपडेट में जो साइज़ मेरे को रिसीव हुआ था आईफोन XR के ऊपर 233.9 मेगाबाइट्स था, आईफोन 13 पे इस अपडेट का जो साइज था 354.7 मेगाबाइट्स था। तो ये है आईफोन XR का साइज़, ये है आईफोन 13 का साइज़। दोनों में डिफरेंस तो है, बट यहाँ पर फीचर्स में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं इस वीडियो में। आप देख सकते हो सबसे पहले फीचर्स के बारे में, दोनों में आपको सेम टू सेम फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। इन दो बग्स को यहाँ पर एप्पल ने फिक्स करा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर NFC का जो फीचर है दोनों आईफोन्स में फिक्स करा गया है, जैसे कि एयर ड्रॉप का जो फीचर है वो NFC के फीचर को यूज़ करके एक्टिवेट होता है। जैसे कि दोनों डिवाइसेस को जब आप पास में लेकर आओगे तो आपके दोनों फ़ोन्स में एनिमेशन देखने को मिलने वाली है, तो इसको फिक्स करा गया है आईफोन XR यूज़र्स के लिए स्पेशली। ये जो फीचर है फिक्स करा गया है, ये जो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था उसको फिक्स करा गया है। सो गाइस, साथ में जो लॉक स्क्रीन का वेदर विजेट है उसको फिक्स करा गया है इस नए अपडेट में। अब बात करते हैं इस अपडेट की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है इन दोनों डिवाइसेस में। यहाँ पर सबसे पहले ऐप ओपनिंग स्पीड को टेस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने दोनों को यहाँ पर ओपन किया, सबसे पहले आईफोन 13 ने ओपन करा है सेटिंग्स की एप्लीकेशन को। चलिए अब हम ओपन करते हैं अपनी म्यूजिक की एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो म्यूजिक की एप्लीकेशन भी इसने जड़ से ओपन कर दी है। अब यहाँ पर हम ओपन करते हैं कैमरा की एप्लीकेशन को, तो कैमरा की एप्लीकेशन भी दोनों डिवाइसेस में एक ही जैसे ओपन हुई है। थोड़ी बहुत स्पीड जो है आईफोन 13 की थोड़ी बहुत आपको ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। अब हम चेकआउट करते हैं कि आईफोन 13 और XR के बीच में आपको बैटरी बैकअप कैसा देखने को मिल रहा है। सो गाइज, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि इन दोनों डिवाइसेस में बैटरी बैकअप आपको कैसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो आईफोन XR है उसमें आपको कम बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। बैटरी ड्रेन का जो इश्यू है आईफोन XR में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है iOS 17.1.1 के नए स्टेबल अपडेट में। तो सेकेंडली बात करते हैं आईफोन 13 की, तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर जो कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है उसमें इसने तकरीबन 2 या 3% बैटरी को ड्रॉप करा है। बट जो लॉक स्क्रीन मोड में पड़े पड़े आईफोन XR को बैटरी ड्रॉप करता है वो सबसे ज़्यादा ड्रॉप कर रहा है। तो गाइस, इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन दोनों डिवाइसेस से आपको कैसा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा इस नए अपडेट में। सो गाइस, पुराने अपडेट में आपको काफ़ी ज़्यादा जो कनेक्टिविटी का इशू था वो देखने को मिल रहा था, बट इस नए अपडेट में कनेक्टिविटी का इशू आपको दोनों डिवाइसेस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। तो यह है इसका कनेक्टिविटी का रिव्यू। कनेक्टिविटी में आपको कोई भी ड्रॉप नहीं आएगा, जैसे कि वाईफाई की प्रॉब्लम थी ऑटो डिसकनेक्टिंग की, वो पुराने अपडेट में थी, बट इस वाले अपडेट में इसको फिक्स करा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों आईफोन्स की स्टोरेज एक ही जैसी है, 128 GB। और यहाँ से आप देख सकते हो आईफोन 13 ने सबसे ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर आईफोन XR में काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पर बची हुई है 128 GB में से। सिस्टम डेटा आप दोनों का चेकअप कर सकते हो, 24 GB है, यहाँ पर 79 GB है। आईफोन 13 में सिस्टम डेटा काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रखा है, जिसने काफ़ी ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है इन दोनों डिवाइसेज में। आप देख सकते हो ये है इसका कंप्लीट कंपैरिजन इस नए अपडेट का iOS 17.1.1 के नए स्टेबल अपडेट का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।